आज हम बनाएंगे इडली, जिसके लिए हमने 2 कप फेटी हुई दही, 2 कप सूजी, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच इनो। अब हम बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए हम एक बॉल लेंगे और उस बॉल में हम सूजी डाल देंगे, दही डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इनो डाल देंगे। फिर इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने सूजी को मिला लिए हैं। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट हो चुका है। अब हम ढक्कन हटा करके हम फिर इसे एक बार मिला लेंगे। अब हम गैस पे इडली स्टैंड चढ़ाएंगे। हमने गैस ऑन करके गैस पे इडली स्टैंड चढ़ा दी है। अब उसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे और उसे हम उबालने देंगे। जब तक पानी में उबाल आ रहा है तब तक हम इडली स्टैंड में तेल लगा लेंगे ताकि इडली चिपके नहीं, इस तरह करके। अब इसमें हम सूजी का मिला हुआ इसमें डाल देंगे। हम सभी में सूजी का घोल डाल दिए हैं। पानी में भी उबाल आ रहा है। अब इसमें हम इसको डाल देंगे। अब इसे हम ढक देंगे। हमने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब हम ढक्कन हटा करके देख लेंगे। अब हम चाकू की सहायता से देख लेंगे इडली हुआ है कि नहीं। इडली हमारा हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। हमने इसे निकाल लिया है। अब इसे हम हल्का ठंडा होने देंगे। हमने इसे हल्का ठंडा कर लिया है। अब इसे हम चाकू की सहायता से निकाल लेंगे। इसी तरह हम सभी को निकाल लेंगे। हमने सभी को एक प्लेट में निकाल लिए हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। इसको देखिए। अब ये हमारा इडली बनके तैयार है।